बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम चल रहा है कंपैटिबिलिटी सीरीज़ है और आज का प्रोग्राम हमारा है टॉरस वर्सेस सैजिटेरियस। ये मिस हो गया था तो मुझे अमदा ने कहा कि ये भी रिकॉर्ड करके भेजें आप फौरन। तो इनकी कंपैटिबिलिटी पे आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा प्रोग्राम आपको बिला रोक टोक आपके पास पहुंच सके। पहले हम देखते हैं बुर्ज सौर के लोग कैसे होते हैं, ये क्या वैसे टॉरियन इनको कहते हैं और इनका जो हाकम सारा या इनका लॉर्ड है जो वो वीनस है, जिसे उर्दू में जोरा कहते हैं और हिंदी में शुक्र कहते हैं। इनके पॉजिटिव करेक्टर्स बड़े खूबसूरत चिट्टे गोरे लोग होते हैं, अट्रैक्टिव तखीलात वाले और प्रैक्टिकल रिलायबल और प्रसिस्टेंट लोग होते हैं, बड़े एम्बिशियस और प्यार करने वाले, रैम दिल, ठीक, आर्टिस्टिक और ट्रस्टवर्दी, वार्म हार्टेड, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडस्ट्रियस, लिबरल, सेल्फ रिलायंस इनमें बहुत ज़्यादा होती है, रिमार्केबल और पावर ऑफ एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खुशी बहुत इनको पसंद है, खुशी फिल्मों वाली नहीं, दूसरी खुशी जो प्लेयर वो बहुत पसंद है। लव ब्यूटी एंड म्यूज़िक, मेहनती बहुत हैं, जिस काम में पढ़ते हैं तो फिर बहुत मेहनत से काम करते हैं क्योंकि ये बेसिकली आर्टिस्टिक टाइप, ब्यूटी पार्लर, शायर, अदाकार, ये जहाँ पे तखीलात से आमद होती है वहाँ पे वो लोग, उनका वीनस उनके हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमेजिनेटिव जिसे कहते हैं, केयरफुल एंड कंजर्वेटिव आउटलुक। अब नेगेटिव इनके करैक्टर्स ये सुस्ती की बोरी जिसे कहते हैं ना, जहाँ पड़े बैठे हैं हिलते नहीं हैं, दफ्तर से वापस आए एक तो तैयार होने में बहुत टाइम लेते हैं, जब तैयार हो जाते हैं फिर वापस आते हैं तो सीधा जराबें उधर फेंकी, पैंट उधर पड़ी है, शर्ट उधर पड़ी है, दुपट्टा उधर पड़ा है, जूतियाँ उधर पड़ी हैं, सीधा छलांग लगाई और घुस गए, फिर वहीं बैठे बैठे खाना आ जाए, वहीं बैठे बैठे कपड़े तैयार मिल जाएँ, वहीं सारा कुछ गर्म पानी मिल जाए, ज़िद पे आ जाएँ, पोजेसिव बहुत है, लालची होते हैं थोड़े से और ज़िद पे अट जाते हैं और अपने आप पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, प्राउड बहुत होते हैं और मुतसब भी हो जाते हैं, स्लो इन एक्शन, वैसे मैंने कहा सुस्ती की बोरी है इनको, तो बनी बनाई पक्की पकाई हर चीज़ मिलनी चाहिए, फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ऑल कम्फर्ट्स ऑफ एट होम, सेल्फिश एंड प्रिंसिपल, बट सेल्फिश बट प्रिंसिपल और एक्सट्रीमली पैशनेट, बहुत ज़्यादा। अब अगर इनको कंपेयर करें तो ये सैजिटेरियस वाले लोग, इनका हकम से आ रहा जुपिटर है गुरु, मुश्तरी और बुर्ज कौस भी कहते हैं इनको, ठीक है, और टिपिकल आउटस्पोकन, ऑप्टिमिस्टिक और एक्स्ट्रावर्ट्स लोग इसके ये होते हैं, इनको आपको पता जुपिटर इनके दिमाग में है तो इनका जो पॉजिटिव करेक्टर इनका जो है ह्यूमन अगर मतलब देखें तो दर्दमंद, मुलायम, हलीम, नरम दिल, रहम दिल, मोम दिल, शफी, क्रीमल नफ्स, खुदा तस, ये इनमें इनके करैक्टर है, हेस्टी, फर्तीलापन, जल्दबाज, तेज़ मज़ाक, सख्त कलामी, कुछ ख्याल ना करना, डायनेमिक, मुतर्रक, कुव्वत अमल, ये लोग होते हैं, जुवेल, खुश मसरूर, जिंदा दिल, हंसमुख, खुश मजाज, हर वो खुश रहते हैं, खंदा पेशानी से काम, रंगीन मिजाज और ऑप्टिमिस्टिक जैसे कहते हैं ना, हर पॉजिटिव हर काम में ये पॉजिटिव रहने वाले लोग, वर्सेटाइल, हर फन मोला, ओपन एंड फेयर माइंडेड, फिलोसफिकल आउटलुक, फ्रैंक, खपती, मानमौजी, साहिब कशफ, ख्याल प्रस्त, मुतर्रक, इम्पल्सिव, एक्टिव, बोल्ड, एंटरप्राइजिंग जिसे कहते हैं ना, अजीम, बोल्ड, बाहिम्मत, मैम जो, मन चला, दिलेर, आली हिम्मत, रिलीजियस, ये इनके अंदर ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं ज़रा, इनके अंदर पुराने ज़माने के ख्याल बहुत होते हैं, सेक्रीफाइंग नेचर है, अपने आप को ये मार के दूसरों की मदद करने के मायर होते हैं, खौफ है खुदा इनमें बहुत ज़्यादा, हम्बल बहुत हैं, आजिज़, खाकसार, ऑनेस्ट, हम्बल, सिंपथेटिक, दर्दमंद, गमख्वार, ये इनके लॉयल एंड स्मार्ट, ये इनके पॉजिटिव करेक्टर हैं।
अब इनके नेगेटिव करेक्टर भी देख लें, ओवर एंशियस, बहुत ज़्यादा ओवर एंशियस, फिक्रमंद हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं, तफ्तीशनाक हद तक परेशान कुन, और रेस्टलेस नेचर, इनडिसिसिव, गैर फैसला कुन, वेवरिंग माइंड, सख्त खड़ोर, कैलस जिसे कहते हैं, केयरलेस, बूस्टफुल, शेखी और पुरगरूर होना, इरेस्पॉन्सिबल और हद से ज़्यादा मुबालगा राय, बढ़ा बढ़ा के लंबी लंबी छोड़ना, हाँकना, तो वे तू बात को तूल देना, हैबिट ऑफ प्रीचिंग, ये जहाँ बैठे हैं ये प्रीच करते, वाज करते रहते, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मस्जिद में भी जाएंगे ये ऐसे नमाज नहीं ऐसे पढ़ो, बच्चों को पीछे धकेल दो, आगे कर दो, आर्गुमेंटिव, दलील यानी कह रहे हैं कि दलीलें बहुत देनी, और मंतक छाड़ने वाले, अनकमिटेड, पाबंदी से आज़ाद है, बाद अब अपनी मर्जी कर जाते हैं, फिर दूसरों की केयर नहीं करते, ये तो आ गए इनके करेक्टर। अब हम इन दोनों को सैजिटेरियस और इनको थोड़ा सा देखते हैं, मैं ज़रा इनका कंपैरिजन यहाँ पे कहीं किया था, वो निकाल लूँ, कुछ सफ़ा मेरा हो गया, माजिक फॉर्म आपका, हाँ ये आ गया, अच्छा ये जो साइन है इसका जो फिक्स साइन है और अर्थ इसकी है, यानी मिट्टी है ये लोग टॉरियन, और जो सैजिटेरियन है और वो जो हैं वो फायरी हैं, और मिट्टी और आग मिल जाए तो एक कुंदन, एक वैसे मिट्टी को पकाया जाता है तो उसमें होता है, तो ये बड़ा कह लें, और फिर इसमें ड्यूलेबल एबिलिटी है आपके, यानी कह रहे जुपिटर फिक्स भी है और मूव भी करता है। अब इनका आपस में टेम्परामेंट, अच्छा बोथ आर इन इंस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ड्रॉन टू डाइवर्जेंट थिंग्स इन लाइफ। टॉरियन बड़ा प्रिडिक्टेबल होते हैं, जबकि सैजिटेरियन शाइन्स इन स्पॉन्टेनियस एंड एडवेंचरस किस्म के लोग होते हैं। पैशनेट लव मैच है, बट फ्यू रेड फ्लैग्स आर होस्टेड इन लॉन्ग इनकी इसमें आ जाते हैं। अच्छा इस बार मैंने थोड़ा सा सर्च की, जब तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा परखा भी कि ये लोग किस किस्म के हैं, इनको कागज आज सॉरी मैं थोड़ा सा है नहीं हो, अच्छा मैच है, सारा कुछ है, लेकिन जो जिनकी टॉरियन की जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है वो, और जबकि ये ज़रा थोड़ा सा उनको, वो ज़रा इजी मूड के हैं और ये ज़रा थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स ख्याल के हैं। अब अगर मेल सैजिटेरियन है और फीमेल टॉरियन है तो चल जाएगी, वो थोड़ी बहुत पैम्पर कर लेंगे, लेकिन अगर फीमेल सैजिटेरियन है और टॉरियन मर्द है, फिर इनकी नहीं, आपस में इनके एक दूसरे पे एलिगेशन, एक दूसरे पे ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लव मैच इनका अच्छा है, बहुत अच्छा, टेम्परामेंटल है, और टारस से होता ना वो क्रेव सिक्योरिटी एंड रूट्स, और टेम्परामेंटल ऑड कपल बन जाता है इनका, ये कहें। अब अगर इनका हम लव स्कोर देखें, लव स्कोर, तो लव स्कोर इनका 57% है, मैरिज कंपेटिबिलिटी 66% है, और सेक्सुअल 67% है। तो ये मिला जुला इनका रोल है कि आप ये इनको आप लेके चलें, ये कर लें, ये डिपेंड करता है, बेसिकली डिपेंड करता है सैजिटेरियस के, वो थोड़ा सा उनमें ये कह लें कि केयरिंग एटीट्यूड, अगर वो लेके चले अपने ऑर्थोडॉक्स ख्यालात को ऊपर ज़्यादा इम्पोज ना करे, वो ज़्यादा वो करें, तो इसलिए मज़हब का वो भी लबादा उनके ऊपर, जबकि ये जो टॉरियन है ये खुले डुले लोग हैं, इनको रुकावटें पसंद नहीं हैं, इनको पैम्पर्ड कराया जाए, इनका काम किया जाए, तो सैजिटेरियन ख़वातीन तो नहीं कर सकती इनका, इतना मैं पहले बता दूं कि ये जिनका, क्योंकि वो खुद मसरूफ बहुत ज़्यादा अपना ये जॉब करना ये करना, और फिर इफ़ बट वाई बहुत ज़्यादा होते, मर्द जो है ना वो दे कैन हैंडल दी, क्योंकि उनका मर्द इसलिए कि टॉरियन ख़वातीन अट्रैक्टिव बहुत होती हैं, तो वो दे नो हाउ टू हैंडल दी
फिज़िकल कंपैटिबिलिटी में बहुत बेहतर होती है, जिससे सेजिटेरियन मर्द जो है ना वो अपना काम निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सेजिटेरियन की वैसे ज़्यादा बनती है एरीज और लियो के साथ, टॉरियन के साथ इतनी बनती, तो 50% मैच बनता है। तो मैं कहूँगा कि मत अगर कंफर्टेबल अगर तो फैमिली में कर रहे हैं हो गया, तो फिर आपको इन बातों को मद्देनज़र रख के चलना होगा, अदरवाइज़ इतना मज़ेदार मैच नहीं है। दोनों के सोचें, दोनों के तरीक़ाकार डिफरेंट है। आई होप मेरा तजिया आपको पसंद आया होगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।